वॉइस टीवी, खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं मोहिनी सिकरवार और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी, खबर सबसे तेज। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन इलाके के कथपुला के पास बने रैन बसेरे में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक की अचानक मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर प्रशासनिक अधिकारी व पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब ये मौत ठंड से ही हुई है या कोई और कारण है, यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही साफ होगा। फिलहाल ठंड और कोहरा अपने रौद्र रूप में देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से जगह जगह रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है। लेकिन आज थाना सिविल लाइन इलाके कठपुले के करीब बने रैन बसेरे में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दीपक नाम का एक युवक ठंड में सिकुड़ा हुआ पड़ा देखा गया। उसको जगाने के लिए कुछ लोग पहुँचे तो पता चला कि उसकी मौत हो चुकी है। दीपक की मौत की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दी गई, जिसके बाद मौके पर इलाका पुलिस व नगर निगम के अधिकारी पहुंच गए, जिन्होंने लोगों से जानकारी जुटाकर दीपक के मृत शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अलीगढ़ से रिजवान सिद्दीकी की रिपोर्ट। क्या हुआ यहाँ? मेरा नाम चांद मोहम्मद है। क्या हुआ है चांद जी? ये रात को कुट्टू कुट्टू पी के आया था, खून खून निकलवा के आया था। 200-250 रुपये में खून निकलवा देते थे, तो रात को दारू वारू पी के आया। ये सुबह घर में 8 बजे घर में अकड़ा मिला है। तो क्या काम है इनका, कैसे खून निकलवाते हैं, कितना पर डे? ये 250 रुपये में पाउच निकलवा देते थे, 200 ग्राम का पाउच होता है, 250 रुपये में पी के आते, उसका शाम को दारू वारू पी लेते। इनके पास पैसा पैसा बचता नहीं है, खाना पीना कठपुले में मांग के खाते। पता इन्होंने कठपुलवा लिखा रखा है और रैन बसेरे में रात में आया था, और सुबह जब इसको जगाया गया तो ये जगा नहीं, इसकी मौत हो गई है। अब इसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं, देखते हैं कि इसमें क्या मामला है, क्या चीज़ है, किस कारण से मौत हुई कुछ बताया नहीं जा सकता। ये तो मृत्यु का कारण बिना पोस्टमार्टम का नहीं बताया जा सकता। प्रथम दृष्टि कुछ निकल के आ रहा था, कुछ भी मौत का कुछ भी कारण हो सकता। बॉडी को देख करके कहीं कोई चोट तो है नहीं बॉडी पर, तो मैं बिना प्रथम दृष्टि चोट अगर हो तब देखा जा सकता है कि हाँ। लोगों ने बताया था वो खून वून भी मोबाइल आ रहा है, ऐसा तो खून नहीं दिख रहा है। यहाँ बताया गया है कि ये लोग यहाँ रहते हैं कठपुले के पास और ये खून कारोबार से जुड़े हुए हैं। मुझे इसकी जानकारी नहीं है, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। ये तो आश्रय स्थल है, आदमी बाहर में क्या कर रहा है इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। यहाँ पर रात में जो बेघर लोग हैं, निराश्रित लोग हैं, उनके रहने की यहाँ व्यवस्था है, उनके लिए आप देख रहे हैं बिस्तर है, कंबल है, गैस के लिए। सर कोई भी व्यक्ति आके रह सकता है क्या? कोई भी निराश्रित व्यक्ति, कोई भी निराश्रित व्यक्ति जिसका कोई आश्रय नहीं है शहर के अंदर, उसको इस ठंड से बचाने के लिए नगर निगम ने इसकी व्यवस्था कर। अच्छा, इसके एड्रेस प्रूफ की जरूरत होती है या नहीं? एड्रेस प्रूफ की जनरली पहले यह नियम था कि आधार कार्ड देख कर करके या कोई पहचान देख कर रखा जाता था, तो अधिकांश जगह पहचान पत्र देख करके या आधार कार्ड देख करके हम उसको रखने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर मान ली कोई आदमी निराश्रित है, उसके पास कोई भी कागज़ नहीं है, तो सड़क पे ठंड से घुटने तो नहीं छोड़ सकते। यहाँ ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास पहचान पत्र नहीं है, वो इसमें शरण पाए हुए हैं, तो अगर उनके पास कोई ठिकाना नहीं होगा। देखिए, हमारा नगर निगम का मेन मकसद यह होता है कि जो निराश्रित व्यक्ति है जिसके पास कोई जगह नहीं रुकने के लिए, उसके लिए एक ठिकाना बनाया जाए ताकि उसको ठंड का एहसास ना हो और ठंड से ना मर जाए, ये उसके लिए व्यवस्था बनाई गई है। अगर हम एक ही की पहचान करेंगे और इसके करेंगे तो फिर यह मकसद सफल नहीं हो पाएंगे। सर, संदिग्ध व्यक्तियों पर फिर किस तरीके से रोक लगेगी? नहीं, संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में पता चल जाता है भाई। संदिग्ध व्यक्ति का है कि अगर कोई पद्रवी आदमी है कुछ है, तो उसकी जाँच हो जाती है। जनरली यहाँ हम लोग भी बीच बीच में इंस्पेक्शन करते रहते हैं, देखते रहते हैं, और जितने भी लोग यहाँ पर हैं लगभग रेगुलर आने वाले लोग हैं।